Hi guys, this is Dr. Priti Parekh. Welcome to my YouTube channel. Today I'm presenting an interview with an amazing individual, a man of faith, a man of values, positive attitude, man of discipline, and somebody who believed in himself even during his days of struggle. I'm talking about Mr. Dilip Joshi. Mr. Dilip Joshi is a very popular TV star of one of the most successful sitcoms, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. He's seen some ups and downs in life, and yet his unwavering belief has seen him through. His discipline in following his spiritual process is commendable. His modesty and unassuming nature can put everyone at ease such that him and everyone around him start to operate in a stress-free environment. As a physician, Dilip bhai, ye ek awareness campaign maine chalu kiya hai. जिसमें कि मेरा मिशन है कि जितना हो सके उतने लोगों को मैं ये संदेश पहुंचा सकूं कि हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस के वजह से कितना हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और हमारे डाइट की वजह से द वे वी स्लीप एक्सरसाइज और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे हिसाब से माइंडसेट हमारा कैसे हम अपने डेली स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो ये चारों चीज़ें मैं उसको फोर व्हील मॉडल बोलती हूँ उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और अब तो साइंस भी बताती है कि अबाउट 80% क्रॉनिक डिजीजेज रिवर्स हो सकते हैं ठीक हो सकते हैं अगर हम इन चार चीज़ों का ध्यान रखें यस सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हम इसी के बारे में आज बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों से मन का हो तो अच्छा मन का ना हो तो और भी अच्छा एंड आई नो यू लिव बाय दैट फिलॉसफी आपने बताया आपके प्रीवियस इंटरव्यूज में जी कैसे कर लेते हैं आप ये इट्स वेरी डिफिकल्ट वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट आई थिंक दैट्स द सबसे अहम चाबी वो स्ट्रेस दूर करने की वही है यस yes. क्योंकि आमतौर पे हमें स्ट्रेस इसीलिए होता है कि हम कुछ सोचते हैं कि हमारे ऐसा करेंगे ऐसा वैसा होगा तो हम ये कर लेंगे फिर वो नहीं होता है तो फिर आप दुखी हो जाते हैं yes. तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जब बहुत साल पहले मैंने बच्चन साहब के किसी इंटरव्यू में या कहीं तो उनके मुंह से या कहीं इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था हाँ. कि उनके पिताजी ने उनको एक बार बताया था कि मन का हो तो अच्छा मन का ना हो तो और भी अच्छा तो ये पहले तो ऑफकोर्स आमतौर पे हम भी दुखी होते थे कुछ अगर हमने जो सोचा हम हासिल नहीं कर पाते नहीं थे लेकिन जब ये सुनने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लेने लगा हाँ. तो लगा कि नहीं वाकई में ये तो बहुत ही मतलब गोल्ड माइन है ये yes. तो और काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं फिर थोड़ा सा कॉन्शियस रह के मैं वॉच भी करता था कि कई बार होता है कि किसी फिल्म के लिए या उन दिनों कोई प्ले के लिए कोई सीरियल के लिए कुछ ऑफर आती थी वो नहीं होती थी मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि अरे वाह ये अगर मिल जाए तो हाँ, मजा आ जाएगा हाँ, लेकिन किसी कारणवश फिर वो नहीं मिलता है हाँ, तो फिर बहुत दुख होता था हाँ, और फिर कुछ समय के बाद कुछ ऐसी चीज मिल जाती है कि आपको लगता है कि वो ओके अगर वो मैंने कर ली होती तो फिर ये मैं हाँ, नहीं कर पाता था तो जो मन का हो तो अच्छा ना हो तो और भी अच्छा कि अगर इसी सीरियल की मैं बात करूं तो इस सीरियल के पहले एक मुझे बहुत ही बड़ी ऑफर आई थी मुझे काम की भी बहुत जरूरत थी हाँ. एक डेढ़ साल तक मेरे पास आई वाज अनएम्प्लॉयड इवन आफ्टर 20-25 इयर्स ऑफ यू नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड देयर वाज अ पीरियड दैट यू नो आई वाज आउट ऑफ जॉब तो वैसे टाइम पे एक ऑफर आई बहुत बढ़िया ल्यूक्रेटिव ऑफर थी फॉर सम रीजन वो वर्कआउट नहीं हो पाया आई वाज यू नो ऐसा लगा कि यार ये ऐसे मोमेंट पे भी ये भगवान क्या परीक्षा ले रहे लेकिन फिर ये मिली तब लगा कि अरे नहीं जो भगवान करता है अच्छा ही करता है तो डेफिनेटली दिस इज आई थिंक द की टू यू नो बीट द स्ट्रेस मन का हो तो अच्छा मन का ना हो तो और भी अच्छा अब काफी स्पिरिचुअल है यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन तो स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको लगता है कि कैसे हेल्प करती है towards health and towards success spiritualism bhi ek tarah se wo bhi ek bahut ahem main kahunga ki hissa hai stress dur karne ke liye yes. jaise main follow karta hu bfps swaminarayan site
मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज, तो उनकी किताबें मैंने पढ़ी है और उनके कुछ कुछ सेंटेंसेस इतने लाजवाब है कि जैसा आपने कहा कि वो पढ़ने में अच्छे लगते हैं लेकिन व्हेन यू पुट इनटू प्रैक्टिस दोज आर रियली डिफिकल्ट, इट्स रियली डिफिकल्ट, बट इफ यू पुट इट यू नो देन यू फील दैट यू नो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, कि उससे जो शांति मिलती है मन को, कि एक प्रमुख स्वामी जी का सेंटेंस मुझे बहुत ही अपील कर गया, उनका ये है कि गुजराती में है वो वाक्य, उन्होंने कहा कि बीजाना भला मा आपनो भलू, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आर्स। अभी ये सुनने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ कि हम किसी दूसरे का भला करो तो उसमें हमारा भी भला है, ऑटोमेटिकली हमारा भला है, लेकिन प्रैक्टिस में आप अगर ऐसे करने जाओगे तो होता नहीं, क्योंकि आमतौर पर याद नहीं रहता, याद नहीं, हर हमारी जो माइंड सेट है आमतौर पर यही होती है कि मेरा क्या। हाँ। कुछ भी आप करते हो, कोई काम करते हो या कुछ भी करते हो, कोई प्रोफेशन में आप हो कि भाई हाँ इसमें मेरा क्या फायदा है, व्हाट्स फॉर मी इन इट, या यस, तो आमतौर पर तो यही पहली सोच होती है, जबकि वो ही नलीफाई कर दिया उन्होंने कि वो आपको सोचना ही नहीं है कि इसमें मेरा क्या है, आपको ये सोचना है कि इसमें दूसरे का क्या फायदा हो रहा है, दूसरा अगर खुश हो रहा है तो वो हमको अपने आप खुशी देगा, तो वो भी एक वाकई में बहुत बड़ा वो स्ट्रेस बस्टर है। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस है जो मैं अपने इसमें जीवन में उसको फॉलो करता हूँ। दूसरा एक प्रमुख स्वामी जी का सेंटेंस है कि हमें ऐसा मानना ही नहीं कि मैंने ये किया, ऐसा मानना है कि जो कुछ होता है वो भगवान करता है। अभी आजकल क्या हो गया कि बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आ गया है सब, और सब इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है कि आपकी सारी सोच अल्टीमेटली पैसों के आके ऊपर अटकती है, तो वो अगर हम अगर हटा दे और हटा सके, आई नो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर वो हटा सके तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। और स्पिरिचुअलिज्म में यही सिखाया जाता है, क्योंकि देखिए जो भी है आप कुछ अपने साथ लेकर तो जाने वाले आए नहीं, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले, तो ये डेफिनेटली मुझे तो फायदा हुआ है। हाँ। कि जब से मैं सत्संग में जुड़ा हूँ इतनी शांति आ गई है कि हाँ। कोई जो पहले छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती थी, छोटी छोटी जो इच्छाएं होती थी, हाँ। वो अभी ऐसा हो गया कि ठीक है जो मिला जो मालिक ने दे दिया, आई एम हैप्पी। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन टू डू अ कॉमेडी शो एवरी डे इज नॉट अ जोक, तो काफी स्ट्रेस रहता होगा आपको, तो या स्ट्रेस रहता होगा ये नहीं कहूंगी, स्ट्रेसफुल है, अब स्ट्रेस लेना ना लेना आपके, यू नो इट्स अप टू यू। तो बिसाइड स्पिरिचुअलिटी ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो आप करते हैं एवरी डे, जैसे ध्यान किया, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज किया, प्राणायाम, anything that you would like to share? That is there obviously, because every day I do puja. And puja mein minimum 15 minute to you have to do meditation, so that is by default every day, wherever I am, even I'm traveling I carry along my puja with me, and yeah, wherever I am in early in the morning, pehle puja karke, puja करने के बाद ही आई ड्रिंक वाटर और एनीथिंग, दैट इज ये हमारे स्वामीनारायण का नियम है कि सुबह उठ के आपको डिसिप्लिन से करना, डिसिप्लिन, हाँ ये नियम है कि नहा के तिलक चांद लो जो बोलते हैं स्वामीनारायण में, तिलक चांद ला वो करना है, पूजा करनी है, भगवान की जो माला जपनी है वो अपने हिसाब से आपको जितनी माला जपनी है वो माला भगवान का नाम लेके वो जपनी है, और उसमें बस उसी के साथ आँख बंद करके आप भगवान का ध्यान करके आप मेडिटेशन करते हैं, एंड बिलीव यू मी एक्चुअली जब से मैंने ये शुरू की है वो जो एक 15 या 20 मिनट सुबह का है, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, आई रियली एंजॉय दैट, बिकॉज वो टाइम है जब एक आप अकेले, बाकी सब कोई आपको विचार नहीं और कोई विचार नहीं, आप है और भगवान है, और बस आप भगवान से अगर अगले दिन किसी के साथ कुछ अगर आपने कोई ऊंची आवाज में बात कर लिया, कोई किसी का मन दुखाया, तो वो एक वक्त है जब आप भगवान से माफी भी मांग सकते हैं और उनको प्रे भी कर सकते हैं कि भाई आज के दिन में कोई ऐसी गलती ना हो मुझसे और मेरी वजह से मैं मतलब किसी को दुख ना पहुंचाऊं और सब जो माहौल है वो पूरा खुश रहे, आबाद रहे, और जो भी है जिसके भी कांटेक्ट में आज मैं आऊं वो सब खुश रहे, जिसके भी जीवन में अगर कोई स्ट्रेस है तो वो दूर हो जाए, तो ये 15-20 मिनट जो डेफिनेटली डेली जो है, एक्सरसाइज डेफिनेटली मैं करता हूँ लेकिन वो
एवरीडे नहीं कर पाता क्योंकि हमारा ये रोज का 12 घंटे का शेड्यूल होता है. इट्स टफ टू टेक. या बट व्हेनेवर आई गेट टाइम आई डू एक्सरसाइज. उसमें थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया. अच्छा. और अपना सूर्य नमस्कार है. ओके. तो जो बेसिक अपने आसन है योगा के थोड़े वो कर लेता हूँ. और खाने में मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ. हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि आई हैव हर्ड दैट. हाँ, तो ये कैसे मैनेज करते हैं विद द बिजनेस स्केड्यूल? या ऑल थैंक्स टू माय वाइफ एक्चुअली, बिकॉज़ इवन इफ वी हैव अ 7 o'clock शिफ्ट, शी गेट्स अप 5 इन द मॉर्निंग एंड शी मेक्स लंच और एवरीथिंग. हाँ, और पूरा आई कैरी एवरीथिंग विद मी. ओके. शाम तक का जो भी है. I cannot show this show to my husband. I have to delete these lines. And talking about your wife, relationship stress is a big stressor. हमारी आज के दौर में, चाहे spouse हो, husband wife हो, parents and kids हो. आपके एक दो interviews में मैंने सुना है कि आपके और आपकी wife में, you know, you guys hardly argue. नहीं, अभी lately. I mean, of course, I'm not a superhuman being. But initially, तो काफी of course arguments होती थी जो normal है husband wife में. थोड़ी बहुत नोक जोक होती वो तो होती रहती है. But by and large, I heard that you have a good understanding. I think yeah, over the period, and because actually, I mean, I got married at a very early age. Yeah. So we almost grew up together. ऐसा बोल सकते हैं. तो हम भी बच्चे थे दोनों, पता नहीं था, शादी हो गई और फिर धीरे धीरे जब एक दूसरे को समझते गए तो उसी में बॉन्डिंग होती गई, प्यार होता गया. सो या नाउ इट्स लाइक अब तो डेफिनेटली अब ऐसा इतनी, और सत्संग में आने के बाद तो इतनी अंडरस्टैंडिंग. सो सत्संग से वो भी फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ. योर वाइफ आल्सो फॉलोज यू सत्संग में? या वो मुझसे तो ज्यादा. हां, या शी फॉलोज इट मच मोर देन मी. हां, तो उसकी वजह से काफी उसमें जो मंत्र है गुजराती में, और के फाउशे भाउशे चालसे, कि ये तीन चीज आप किसी भी सिचुएशन अगर आप अपना लो तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. ये सही बताया आपने. ये भी हमारे प्रमुख स्वामी जी ने, उनका सूत्र है. अच्छा. कि आपको ये अपनाना चाहिए लाइफ में कि फाउशे भाउशे चालसे. चालसे फाउशे मतलब कि कोई किसी भी सिचुएशन कैसे भी आपको कहीं You like just. भाव से मतलब कोई भी खाना कैसा भी मिल गया, उसमें नमक कम है ज्यादा है, तीखा है मीठा है, जो भी है खा लो, कोई टेंशन नहीं. प्यार से. प्यार से. और चाल से मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें आप सब चलेगा, कोई कंप्लेन नहीं है. कंप्लेन मत करो. नॉर्मली आर्ग्यूमेंट कंप्लेन से होती है. और कंप्लेन कब होती है? जब आप अपने बारे में सोचते हो. तो जब आप अपने बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, क्या भाई जो है ठीक है, चलेगा, बेस्ट है, भगवान ने जो मुझे दिया है ठीक है, फाइन. थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट्स अ वंडरफुल शो यू गाइस आर मेकिंग एंड वी आर बिग फैंस. एज अ फैमिली वी वॉच दैट शो. थैंक यू. एंड आसिफ भाई को मैं बता रही थी कि लाफ्टर इज मेडिसिन एंड लाफ्टर इज कंटेजियस. जब साथ में बैठ के हंसते हैं तो और हंसी आती है, और हंसने के काफी सारे हेल्थ फायदे भी हैं. तो thank you so much for being a part of this show. thank you. ye thank you actually sorry hamare jo swami narayan mein ek ye bhi pramukh swami ji ke aur man swami ji ka ek sutra hai, ghar sabha. yes, ki every day you should make it a point that the whole family sit together. yes. and you just discuss about everything whatever you did in the whole day. haan ji. yes. to ye kitna badhiya concept hai, aur ek chote se taur pe ye hamari serial bhi main manta hu ki iski wajah se लोगों की घर सभा हो जाती है कि सब मिलके 8:30 बजे खाना खाते हैं और हमारी सीरियल देखते हैं. That's exactly what we do. तो भगवान की ये भी एक सेवा हो गई हमारी ओर से कि भाई इस सीरियल के जरिए लोगों के घर में घर सभा हो जाती है और साथ में बैठ के खाना भी सब खाते हैं. और सात्विक शो है आपका. सात्विक, absolutely. Thank you, Dilip bhai. Thank you.